सो गाइज वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अपनी बुक्स ऑर्डर करनी है, अगर आपको बुक्स मंगाने हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है ICAI में, मतलब आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया है CA फाउंडेशन के लिए, और आपकी जो हार्ड कॉपी है फॉर्म की वो भी आपने रीजनल सेंटर में सबमिट कर रखा है, उसके बाद आपको अगर कोई भी ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर इशू नहीं हुआ है ICAI की ओर से, तो आपको बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। नियरली सारे टॉपिक्स जो भी डाउट्स हैं, एक्चुअली बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट करके पूछ लिया कि कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशंस भी नज़दीक आ चुके हैं, पढ़ाई भी करनी है, नवंबर में एग्जामिनेशंस हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फॉर्म भेज दिया है, बुक्स अभी तक ऑर्डर नहीं हुई, डिलीवर नहीं हुई घर पर। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि कैसे ऑर्डर करना है, ताकि उनकी बुक्स भी जल्दी आ सकें। तो चलिए फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। अब नॉर्मली अप्लाई कैसे करना था, आपने ऐसे अप्लाई कर रखा है, ई सर्विसेज पे जाकर के यहाँ पे क्लिक करना था, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पे क्लिक करना था, आपकी लॉगिन आईडी बनानी थी, और उसके बाद आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी थी, डिटेल्स फीड करके अपनी, देन वो जो हार्ड कॉपी होती थी, जो आपको एक प्रिंटआउट, जो फ़ी पेमेंट की जो स्लिप थी उसका प्रिंटआउट निकाल करके, प्लस डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी थे, वो आपको रीजनल सेंटर में सबमिट करना था, जो भी आपके नियरेस्ट रीजनल सेंटर था वहाँ पे सबमिट करना था। तो ये तो नॉर्मल डिटेल थी, ये ऑलरेडी आपने कर रखा होगा। अब आपको जो CDS की वेबसाइट है यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे इस वेबसाइट पे ICAI की वेबसाइट पे टॉप राइट में देखेंगे यहाँ पे CDS लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके और CDS की वेबसाइट पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली ICAI-CDS.org पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप CDS की वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऑर्डर बुक्स कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नहीं है, तो आपको करना है ICAI को फ़ोन। ICAI का मतलब कि जो भी आपका रीजनल सेंटर है जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हुए हैं, हार्ड कॉपी आपने जहाँ पे भेजी हुई है, वहाँ पे आपको फ़ोन करना है। अब उसकी डिटेल आप या तो गूगल सर्च कर सकते हैं कि गूगल सर्च करने पे वहाँ पे आपको उस सेंटर का आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फ़ोन नंबर निकाल के, अदरवाइज आप ICAI को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ICAI का जो नंबर है, मैं आपको नंबर बता दूंगा वीडियो के एंड में कि ICAI का नंबर, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर रखा है, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं ICAI का कॉन्टैक्ट नंबर। उस नंबर पे आप फ़ोन करेंगे, उस जो भी, अगर मान लीजिए कि गूगल सर्च में नंबर आ रहा है, फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ से फ़ोन पिक नहीं हो रहा है, तो उस 1800 वाले नंबर पे आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने के बाद वहाँ से आपको वहाँ का रीजनल सेंटर का नंबर मिल जाएगा। 1800 वाले नंबर पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब आप अपने रीजनल सेंटर पे फ़ोन करेंगे। तो उस नंबर पे आप फ़ोन कर लीजिएगा। फ़ोन करने के बाद वहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पहले बात करनी है कि सर मेरा अप्लाई कर दिया है मैंने, अपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उसकी हार्ड कॉपी मैंने सबमिट कर दी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, कोई CRO, NRO, WRO नंबर, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा अभी तक इशू नहीं हुआ है। वहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिटेल पूछी जाएंगी, जैसे कि हो सकता है कि आपका नाम पूछा जाए, फादर्स नेम पूछा जाए, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाए, थोड़ी बहुत डिटेल्स पूछी जा सकती हैं। आप डिटेल्स उनको बता देंगे, तो वहाँ से अगर उनके पास CRO, NRO नंबर, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर सिस्टम में अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली आपको वो बता देंगे। तो एक तरीके से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऐसे पता कर सकते हैं। देन उसके बाद आप करेंगे क्या कि जब रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा आपको, तो आप बोल देंगे कि सर जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो भी जो PDF फाइल है मेरी, PDF डॉक्यूमेंट है, वो आप CDS को जल्दी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि मेरे पास बुक्स जो हैं जल्दी से जल्दी डिलीवर हो सकें। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है आपको इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट जो है आपका CDS की वेबसाइट है, मतलब ICAI की वेबसाइट है, जो कि बुक्स डिलीवर होती है यहाँ से आपके एड्रेस पे। यहाँ पे आपको करना है साइनअप। साइनअप करने के बाद अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से करना कंपलसरी है। यहाँ पे आप जाएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फीड करेंगे, उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, देन ये डिटेल, सारी चीज़ें आपको करना है, और उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपनी बुक्स सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। एक्चुअली आपको पेमेंट करनी नहीं है, जब आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से जब आप लॉगिन करेंगे, जो आपको ICAI से मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करने के बाद
पेमेंट के ऑप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे, पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, पेमेंट के ऑप्शन के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कूपन्स अवेलेबल, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो आपका जो टोटल अमाउंट है बुक्स का वो टोटल एग्रीगेट अमाउंट ज़ीरो शो करेगा। आपको बुक्स के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है, बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बुक्स इंक्लूडेड हैं, जो आपके फाउंडेशन की फ़ी 9200 है उसमें बुक्स इंक्लूडेड हैं। बस आपको करना क्या है कि जो अप्लाई का नीचे वाला बटन है उसके नीचे आपको कूपन्स अवेलेबल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके बुक्स आपको अप्लाई कर देनी है और बुक्स आपके पास डिलीवर हो जाएंगी। सो इट इज़ ए स्मॉल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको आप फॉरवर्ड करिए ताकि उनके पास भी बुक्स पहुँच पाएँ जल्दी से जल्दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशंस आए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।